नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता मिश्रा, एकेडमिक कंसल्टेंट, राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय में स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा में तीन कोर्सेज चलते हैं। पहला हमारा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं श्रवण बाधिता। दूसरा हमारा है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको हम दृष्टि बाधिता कहते हैं। और तीसरा हमारा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनकी क्वेरीज होती है कि स्पेशल एजुकेशन केवल दिव्यांग बच्चों के लिए है या सामान्य बच्चों के लिए। तो जो उनकी भ्रांतियाँ हैं, पहले हम उसको दूर करना चाहते हैं। स्पेशल एजुकेशन जो है वो सभी के लिए है, और यहाँ पे हम जो है सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इस चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं। तो इस तरह से आप एक सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के क्लासों में, मींस हमारा जो इंक्लूसिव सेटअप है, जहाँ पे सामान्य दिव्यांग दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, उनके लिए हम कैसे कैरिकुलम डिजाइन करें, कौन सी टीचिंग टेक्निक यूटिलाइज करें, और किस प्रकार से इस कोर्स को हम और अच्छे से उन बच्चों को पढ़ा सकें और मेन स्ट्रीम यानी समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकें। इस तरह से स्पेशल एजुकेशन हम सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि क्या स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बीएड वाले केवल स्पेशल फील्ड में ही जा सकते हैं, वो सामान्य फील्ड में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विश्वविद्यालय, स्टेट्स और राज्यों में इस प्रकार के कोर्सेज जो है, वहाँ पे जो स्पेशल बीएड किए हैं उनका अपॉइंटमेंट सामान्य विद्यालयों में, सामान्य विश्वविद्यालयों में हर जगह होते हैं। तो आपके अंदर जो ये भ्रांतियाँ आती हैं कि स्पेशल एजुकेशन केवल दिव्यांग बच्चे कर सकते हैं, या स्पेशल एजुकेशन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि केवल हम स्पेशल ही फील्ड में जा सकते हैं, सामान्य फील्ड में नहीं जा सकते, तो आपको यहाँ पे ड्यूअल अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सामान्य फील्ड में भी अपने को प्लेसमेंट कर सकते हैं और स्पेशल फील्ड में भी प्लेसमेंट कर सकते हैं। जो हमारा स्पेशल एजुकेशन है, उसका जो अनुमोदन है वो RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद से होता है। जहाँ पे आप स्पेशल एजुकेशन से जब यहाँ से डिग्री ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर्स करना होता है, जहाँ से आपको CRR नंबर दिया जाता है और आप एक इससे स्पेशल फील्ड में या विशेष क्षेत्र में एक प्रोफेशनल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कुछ आप लोगों की भ्रांतियाँ थी, क्वेरीज थी, उसको दूर किया गया। अब हम आपको आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अर्ली इंटरवेंशन कैसे करें और अर्ली इंटरवेंशन का नीड क्या है, और हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, हम उसके बारे में आपको आज जानकारी देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस पेपर का ब्लॉक वन में जो पहला यूनिट है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस। श्रवण लॉस का कैसे हम शीघ्र हस्तक्षेपण या कैसे पहचान करें, ये हमारी आज की टॉपिक है। दोस्तों, आप जानते हैं कि श्रवण बाधिता जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला तो श्रवण बाधिता ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इन बालकों को बोलने या सुनने में कठिनाई होती है। निशक्तजन अधिनियम 2016 के अनुसार श्रवण बाधिता को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला डैफ और दूसरा है हार्ड ऑफ हियरिंग। डैफ मीन्स वो बच्चे जिनका श्रवण लॉस जो है या हियरिंग लॉस जो है वो टोटली हो चुका है, और हम उसे किसी भी प्रकार के हियरिंग एड से उन्हें किसी भी प्रकार का श्रवण क्षमता बढ़ा नहीं सकते या उन्हें एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, जिसके लिए हमें साइन लैंग्वेज, स्पीच थेरेपी, इन सब की ज़रूरत होती है। दूसरा हमारा हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि इन बच्चों का कानों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 70 डेसिबल के श्रवण क्षमता के बराबर होती है। इन बच्चों को हम हियरिंग एड लगा के उनके एजुकेशन को आगे डेवलप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, श्रवण बाधिता होने से क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहली, नो हियरिंग।
उन्हें किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अगर उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो नो लैंग्वेज एंड नो स्पीच, उनका भाषा विकास भी नहीं होगा। और जब भाषा विकास नहीं होगा तो नो कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार का वो संप्रेषण नहीं कर सकते। और जब वो संप्रेषण नहीं कर पाएंगे तो उनके पास एजुकेशन नहीं हो पाएगा, और एजुकेशन नहीं होंगे तो नॉलेज भी नहीं होगा, और जब नॉलेज नहीं होगा तो थिंकिंग कैपेसिटी भी उनकी डेवलप नहीं होगी। और इन सभी कारणों से उनका जो संज्ञात्मक विकास है, जो उन्हें समाज के सामने आना है, वो सब उनका इफेक्टेड हो जाता है। यहाँ पे श्रवण बाधिता से जो लॉस होते हैं, वो पहला है कि श्रवण क्षतिग्रस्तता का व्यक्ति का नुकसानदेह प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी तथा परिवार की मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो उनके परिवार वाले होते हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो सुन नहीं पा रहा है, या उसकी समस्याओं को हम कैसे समाधान करें। दूसरी चीज़, श्रवण ह्रास का अगर हम जल्द से जल्द उपचार नहीं कर पाते हैं तो हम बच्चों के भाषा और वाणी का विकास भी नहीं कर पाएंगे। और जब भाषा और वाणी का विकास नहीं होगा तो उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि तथा सामाजिक समीकरण में भी बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। श्रवण बाधित बच्चों के अगर हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो इन बच्चों के जो जन्मजात बच्चे हैं उनके 1 महीने के अंदर स्क्रीनिंग किया जाए, 3 महीने के अंदर उनका निदात्मक आकलन किया जाए, 6 महीने के अंदर उन्हें पुनर्वास के विकल्प मुहैया कराया जाए। परंतु इन सुविधाओं के बावजूद जनसाधारण में श्रवण ह्रास और उसकी पहचान से संबंधित कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े हैं वो 2012 के अनुसार विश्व जनसंख्या की 360 मिलियन आबादी को श्रवण ह्रास की समस्याएं हैं, जिसमें से 9% बच्चे हैं। भारत में वर्ष 2003 में किए गए सर्वे के अनुसार श्रवण क्षतिग्रस्तता का प्रसार 6.3% है। 14 साल तक के भारतीय आबादी में 2% बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट हैं। 14 साल से अधिक उम्र वाले आबादी में यह प्रतिशत 7.6 है। जो हमारे समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं वो इस प्रकार है कि बच्चे को पैदा होने के 2-3 महीने के बाद अभिभावक को बच्चे के श्रवण ह्रास के बारे में जानकारी हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। जो हमारी सार्वभौमिक स्क्रीनिंग है उसमें 2-3 साल की उम्र में ही बच्चों के श्रवण ह्रास का पता चलता है। अल्प और अति अल्प श्रवण ह्रास का पता तो 4 साल से पहले नहीं हो पाता। दूसरा, बच्चे के सिर के पीछे ताली बजाकर अभिभावक जो है वो श्रवण ह्रास का पता लगा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बच्चे अभिभावक के चेहरे के हाव भाव, इशारा, परछाई, प्रतिक्रिया तथा ताली बजने से उत्पन्न हवा को महसूस कर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तीसरा, जो हमारे हाई रिस्क रजिस्टर्स है उसके द्वारा बच्चों के श्रवण ह्रास की पहचान की जा सकती है, परंतु हाई रिस्क रजिस्टर के द्वारा भी केवल 50% बच्चों के श्रवण ह्रास का पता लग पाया है। सार्वभौमिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उपयोग द्वारा श्रवण ह्रास का पता लगाया जा सकता है, परंतु 1000 नवजात बच्चे में केवल 2 से 4 बच्चों में ही श्रवण ह्रास का पता लगाया जा सकता है। परीक्षण विश्वसनीय नहीं है तथा विशेषज्ञों के पास अधिक से अधिक बच्चे रेफर किए जाते हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। रेफर दर केवल 5 से 7% ही है। श्रवण ह्रास के शीघ्र पहचान के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। 2-3 वर्ष के पूर्व श्रवण ह्रास के पहचान की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। 6 महीने से अधिक उम्र के पहचान किए गए बच्चों में भाषा एवं वाणी विकास में देरी परिलक्षित होती है। 6 महीने से कम उम्र के पहचान किए हुए बच्चों में यह समस्या कम पाई जाएगी तथा सुनने वाले बच्चों में समकक्ष पाए गए हैं। 12 महीने से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनमें किसी भी प्रकार के प्रवर्धन उपकरण का रोपण नहीं किया जा सकता।
परंतु ऐसा नहीं है। जन्मजात या एक महीने के बच्चों में भी रोपण या इम्प्लांट किया जा सकता है। इन बच्चों का अगर हम शीघ्र हस्तक्षेपण करें तो उन बच्चों में होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है, जैसे ध्वनियों को सुनकर अगर बच्चा उत्तर नहीं दे रहा हो, बच्चे की भाषा वाणी में विकास देरी से हो रहे हो, बच्चा किसी भी निर्देशों को मीन्स अगर बच्चे से कहा जाए कि ये सामान लाओ, यहाँ जाओ, ये उठा लो, अगर वो अनुसरण नहीं करता है तो उससे भी हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। क्या बच्चा पीछे से बुलाने पे नहीं बोलता है? क्या बच्चा 18 से 24 महीने में होने में कोई शब्द नहीं बोलता है? क्या बच्चा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सीडी प्लेयर की आवाज़ को तीज करके सुनता है? क्या बच्चा आसपास के तीव्र आवाज़ कान में हाथ से बंद कर लेता है? इन प्रकार के स्क्रीनिंग विभिन्न प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा हम बच्चे के अर्ली इंटरवेंशन करके उन्हें सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं तथा उनकी ऑडियोमेट्री टेस्ट कराकर उनकी कितनी हियरिंग लॉस हुई है उसका पता लगा सकते हैं। बच्चों के श्रवण ह्रास का पता हो जाने पे और उनकी ऑडियोमेट्री टेस्ट करा लेने के बाद हम विभिन्न प्रकार के हियरिंग एड का प्रयोग करके बच्चों के श्रवण ह्रास जो उनकी बची हुई रेसिड्यूअल्स क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका जो है बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे ये हियरिंग एड लगा हुआ है जिससे बच्चे के श्रवण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। दिस इज इन द ईयर, कान के अंदर हियरिंग एड का प्रयोग किया गया है जिससे कि उनके श्रवण ह्रास को बढ़ाया जा सकता है। ये ग्लास टाइप हियरिंग एड्स है जो कि चश्मे के आकार का है, इसमें हियरिंग एड फिट है जिससे कि बच्चे के श्रवण ह्रास की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये पॉकेट टाइप हियरिंग एड है जिस हियरिंग एड्स के द्वारा बच्चों के श्रवण क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं और उनके एजुकेशन लेवल को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कान के तीन पार्ट्स हैं, ये बाहर वाला आप देख रहे हैं या एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कर्ण है, बीच में मिडल कर्ण है और वो जो है हमारा इंटरनल कर्ण है। इंटरनल कर्ण में जो हमारा ये कॉकलिया है, कॉकलिया के पास जो हमारे नर्व्स होते हैं वो ब्रेन से अटैचमेंट होते हैं, तो जो भी हमें आवाज़ आती है, कम्युनिकेशन होता है, वो यहाँ पे इन कॉकलिया के थ्रू जो नर्व्स है इस नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है। जब ये हमारे इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम हो जाती है तो ये आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है और हम हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाते हैं। कॉकलिया के इम्प्लांटेशन किया जाता है और हम यहाँ कॉकलिया इम्प्लांटेशन करके बच्चे में जो उनकी श्रवण क्षमता है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उनको स्पीच थेरेपी के माध्यम से वो सामान्य बच्चों के साथ संप्रेषण कर सकते हैं। ये कॉकलिया इम्प्लांटेशन है, यहाँ पे ये इसका इम्प्लांटेशन हो गया है जिसके थ्रू अगर इस बच्चे को हम स्पीच थेरेपी दें तो ये बच्चा सामान्य बच्चों के समान ही अपनी भाषा और शिक्षा का विकास कर सकता है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कुछ सहायक उपकरण हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये रेड अलर्ट है। सब अगर श्रवण बाधित बच्चे को कोई मैसेज देना है तो अगर हम उसे मैसेज देते हैं तो उसके मोबाइल में ये रेड बल्ब जल जाते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके लिए कोई समाचार आया हुआ है। ये क्लासरूम सिस्टम है जिसे हम FM सिस्टम कहते हैं। इस FM सिस्टम के द्वारा हम श्रवण बाधित बच्चों को क्लासरूम में शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लूप इंडक्शन सिस्टम है जो कि क्लासरूम में ये पूरे तांबे को फिट कर दिया जाता है और श्रवण बाधित बच्चों के लिए उनके पास उनकी रिसीविंग होती है। जब टीचर्स वहाँ से अपने लेक्चर्स को प्रोवाइड करता है तो ये बच्चे सारे लेक्चर्स को हियरिंग कर सकते हैं। ये ग्रुप हियरिंग एड है जहाँ पे कि श्रवण बाधित बच्चों को इस तरह से यू शेप में बैठाया जाता है और सबके पास ये ग्रुप हियरिंग एड लगे होते हैं। जब शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को बच्चों को प्रशिक्षण देता है उस समय सभी बच्चे उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स को आसानी से सुन और समझ सकते हैं। जो पूर्णतः बधिर बच्चे हैं जिनमें भाषा का विकास नहीं हो पाया है उन बच्चों के लिए हम साइन सिस्टम या साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये कुछ वर्ड हैं जैसे COMPUT ER, ऐसे वर्ड को समझने के लिए बच्चों को इस प्रकार के साइन का हम उपयोग करते हैं। ये क्यूड स्पीच है, कुछ वर्ड जैसे प, फ,
ये दो वर्ड सेम है तो इसलिए हम क्यूड स्पीच के द्वारा अपने फेस के 7 प्लेस पे हैंड लगाकर उस वर्ड को बच्चों को समझाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ये हमारा साइन लैंग्वेज है जहाँ हम विद द मैनुअल हम अपने फिंगर का यूज करके ए बी सी इस तरह से हम साइन सिस्टम के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि शीघ्र हस्तक्षेप कितना आवश्यक है। अगर हम श्रवण बाधित बच्चे का जल्द से जल्द पहचान कर लेंगे तो हम हस्तक्षेपण कर सकते हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है या उनकी जो बची हुई श्रवण क्षमता है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसके द्वारा उनका कम्युनिकेशन लेवल, उनका एजुकेशन लेवल, उनका समाज में सामंजस्य सभी स्थापित कर सकते हैं। एक श्रवण बाधित बच्चे का अगर हम जल्द से जल्द पहचान कर लें, आइडेंटिफाई कर लें और उनका शीघ्र हस्तक्षेपण करें, मीन्स उनका ऑडियोलॉजिस्ट टेस्ट करा लें, उनको स्पीच थेरेपी दे दें, उनका ऑडिटरी ट्रेनिंग कर दें, तो हमारा श्रवण बाधित बच्चा भी सामान्य बच्चों के साथ सामान्य प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो दोस्तों आज का पहला चैप्टर जो हमारा था कि शीघ्र हस्तक्षेपण क्यों आवश्यक है और इससे हियरिंग लॉस से बच्चे को क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसको हमने यहाँ पर बताया। अगर आपको इसमें कुछ न समझ में आया हो तो आप उसके संबंध में क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे आप वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर्स होंगे श्रवण बाधित बच्चों के कौन कौन से सहायक उपकरण हैं, जिन उपकरणों की सहायता से हम उनके एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।